गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हमेशा एक बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक घंटे की खुशी मिले तो आप नींद की एक झपकी ले सकते हैं। अगर आप एक दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने जा सकते हैं। अगर आप एक साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। मगर अगर आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करना सीखें। चलिए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। देखिए, आज आपको सेहत का ख्याल रखना है क्योंकि शरीर के किसी अंग में दर्द होने की संभावना है। किसी भी ऐसे काम से बचें जिसमें ज्यादा शारीरिक मेहनत की जरूरत हो। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपने आंख कान खुले रखिए, हो सकता है आपके हाथ कोई अहम बात आज लग जाए। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर टेंशन हो सकती है। आपने अगर किसी से धन उधार जो है लिया था या आपने किसी को धन उधार दिया था तो वो पैसे आज आपको वापस मिल सकते हैं, और अगर आपने उधार लिया था तो आपको चुकाना पड़ सकता है। यानी कि आर्थिक सेहत जो है आपकी मिली जुली रहने वाली है। वृष राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, संतुष्ट जीवन जीने के लिए अपने मानसिक जो है आपको दृढ़ता में वृद्धि करनी होगी। आज आप पैसे की जीवन में अहमियत को समझ सकते हैं। सबकी परेशानियों पर गौर करें जिससे समस्याओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। कुछ लोगों के लिए नया जो आज आप कह सकते हैं कि आप जिस तरह से नए लोगों से मिलेंगे ये आपके जीवन में और खुशियां लाएगा। आने वाला समय दफ्तर में आपका काफ़ी बेहतर गुजरने वाला है। काम के नए तरीके असर दिखाएंगे। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप घूमने फिरने जा सकते हैं। किसी शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। जीवन साथी से आज आपको कोई बढ़िया सरप्राइज मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आज अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह बन सकते हैं। आज आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में रहेंगे और किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो आज आप बिना बात का ही तनाव लेकर जो है बैठे रहेंगे। गैर जरूरी बातें आज आप पर हावी रहेंगी, इनसे बचने की जितनी ज्यादा कोशिश की जाए उतना आपके लिए बेहतर है। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आपकी जीतोड़ मेहनत और परिवार का सहयोग इच्छित परिणाम देने में कामयाब रहेगा, लेकिन तरक्की की रफ्तार बरकरार रखनी है तो मेहनत इसी तरह से जारी रखनी होगी। कुछ खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास है। अपने काम में तेजी लाने के लिए आप तकनीक से जुड़ी चीज़ों में निवेश कर सकते हैं। आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। भाई बहनों की आपको आज पूरी मदद मिलेगी और आपकी राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कुछ विशेष कर दिखाने की कोशिश में आज आप पूरा दिन लगे रहेंगे। आपको अपने काम के साथ साथ बाकी काम पर जो है बाकी चीजों पर भी ध्यान देने की आदत डालनी होगी। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। आम परिचितों से व्यक्तिगत बातों को बांटने से बचिए। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। इनकम के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग अपने दोस्तों के साथ आज किसी पार्टी में जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के जरिए काम करके आप लोगों को हैरान करने में भी कामयाब होंगे। वहीं इस राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। सट्टेबाजी से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पिता का तलख बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहिए, इससे आपको फायदा होगा। बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ भी मिल सकती है। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों अधूरे रह गए थे। दफ्तर में दिन बढ़िया गुजरेगा।
रहेगा, व्यापार में भी तरक्की के योग है। तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आप जल्दी ही लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उबरकर पूरी तरह सेहतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदगर्ज और गुस्सैल इंसानों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये लोग आपको तनाव दे सकते हैं और आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकते हैं। इस राशि के कारोबारियों को आज धन हानि की संभावना बन रही है, किसी को भी उधार देने से बचिए। आज का दिन सोच समझ कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा, इसलिए तब तक आप अपने विचार व्यक्त ना करें जब तक आप उनकी सफलता के लिए आश्वस्त ना हो। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे थे तो निश्चय ही आपको उसके संकेत अब दिखाई देने लगेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, मौज मस्ती और मनपसंद काम करने के लिए अच्छा दिन है। अगर आज आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको पैसा बहुत समझकर खर्च करना है, वरना धन हानि हो सकती है। ये वक्त इस बात को समझने का है कि गुस्सा पागलपन है और ये आपको भारी नुकसान की तरफ धकेल सकता है। सहकर्मियों के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता की जरूरत होगी। जीवन साथी की सेहत पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। आप कुछ विशेष कर दिखाने की कोशिश में दिन का काफी समय आज व्यतीत करेंगे। वहीं संतान को तरक्की के योग भी बन रहे हैं। धनुराशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। पैसे उधार देने पर आज आपकी आर्थिक हालत जो है वो खराब हो सकती है। आज के दिन आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यथार्थवादी रवैया अपनाएं और जो आपकी और मदद का हाथ बढ़ाए उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद तो आज ना ही करें। ऐसे लोगों से आपको आप कह सकते हैं कि संपर्क बनाने की जरूरत है जो रचनात्मक हैं और जिनके ख्यालात आपसे मिलते हैं। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, मगर इसके चलते भविष्य की नींव अच्छी बन जाएगी। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। पुराने दोस्त मददगार और सहयोगी साबित होंगे। सावधान रहिए, क्योंकि आज अगर आप प्रेम के में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। नाते रिश्तेदार तरक्की और समृद्धि के लिए नई योजनाएं लाएंगे। यात्राओं से तुरंत लाभ तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में ये आपको काफी ज्यादा आर्थिक लाभ करवा सकती है। वहीं नई नौकरी के योग भी बन रहे हैं। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आप में से जो लोग दफ्तर में ओवरटाइम कर रहे थे और ऊर्जा की कमी से जूझ रहे थे, आज ऐसा मानिए कि उन्हें फिर से वैसी ही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा आज नहीं देना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसा कोई जिसे आप जानते हैं आर्थिक मामलों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से वो लेगा और घर में थोड़ा बहुत तनाव भी पैदा कर सकता है। नई साझेदारी आज के दिन फलदायी रहेगी। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो आज का दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। मीन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, हाल की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग आपके लिए फायदेमंद है। आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह और उत्साह के बल पर औरों में बदलाव जो है ला सकती है। किसी ऐसे नए उद्योग से जुड़ने से आज आपको बचना है जिसमें कई भागीदार हों, और अगर जरूरत पड़े तो उन लोगों की राय जरूर लीजिएगा जो आपके करीबी हैं। आपको किसी बात को लेकर बेवजह क्रोध करने से बचना होगा। आप अगर शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, मगर आपको अपने खर्चे जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक करने हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च आपकी आर्थिक सेहत को बिगाड़ सकता है। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक पॉजिटिव थॉट। हमेशा एक बात याद रखें, आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास रखिए और वही विश्वास आपको जीवन में जीत दिलवाएगा। चलिए, इसी विचार के साथ अभी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आशा करते हैं आपका आज का दिन मंगलमय होगा। नमस्कार।